राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम कावेरी। कावेरी नदी केवल जल का विस्तार नहीं, एक जीवंत शक्ति है। इसमें जीवन है, कुछ दिखाई देने वाला, कुछ अदृश्य। नदी जीवन दे सकती है और उसे नष्ट भी कर सकती है। ये कभी घटती है, कभी बढ़ती है। सह्याद्री पर्वतों की श्रृंखला में ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर से झरने के रूप में निकलने वाली ऐसी ही एक नदी है कावेरी। कावेरी जिसकी घाटी में कर्नाटक की सभ्यता पली और समृद्ध हुई। किसानों ने कावेरी के जल से यहाँ की धरती को हरा भरा बनाया। इंजीनियरों ने इससे बिजली पैदा की और कवियों ने इसकी सुंदरता को अपने गीतों में पिरो दिया। कावेरी के जन्म के संबंध में अगस्त्य मुनि की एक कथा प्रचलित है। कहते हैं, ब्रह्मा ने कावेरी नाम की कन्या निसंतान राजा कावेरन को वरदान में दी। जब कावेरी बड़ी हुई तो अगस्त्य मुनि ने उसके साथ विवाह करना चाहा। कावेरी के पिता कावेरन उनके विवाह के लिए राजी तो हो गए, लेकिन एक शर्त लगा दी कि कावेरी को 3 घड़ी समय से ज्यादा अकेली नहीं छोड़ा जाएगा। फिर क्या था, अगस्त्य मुनि ने शर्त मान ली और उनका विवाह कावेरी के साथ हो गया। लेकिन एक दिन अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों को कोई ऐसी गूढ़ बात समझाने में लग गए कि समय का ध्यान ही न रहा। रोज के समय वो घर नहीं लौट सके। जब बहुत समय बीत गया और अगस्त्य मुनि घर नहीं लौटे तो कावेरी ने समझा कि वो किसी बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं। यह सोचकर कावेरी उसी तालाब में कूद पड़ी जिसमें अगस्त्य मुनि रोज स्नान किया करते थे। मगर तालाब में कूदकर कावेरी मरी नहीं, तालाब की तली तक जाकर वो अदृश्य हो गई और वहां से नीचे ही नीचे बहती हुई ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर पहुंच गई और वहां से झरने के रूप में प्रकट हुई। प्राचीन काल से ही इस देश के वासी पर्वतों और नदियों की पूजा करते आए हैं। लोगों का विश्वास है कि बर्फ से ढके और बादलों से घिरे विशाल पर्वतों में उनके देवताओं का वास है और पहाड़ों से बहकर आने वाली नदियां देवताओं का आशीर्वाद लेकर आती हैं। यही कारण है कावेरी नदी के तट पर भी मंदिर और तीर्थ स्थल बने हैं। ये सभी पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। समय समय पर यहाँ मेले भी लगते हैं। प्रत्येक वर्ष संक्रांति के दिन कावेरी नदी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की यात्रा करते हैं। झरने के रूप में बहता हुआ पानी जब एक छोटे से तालाब में गिरता है तो दर्शन के लिए लोगों की भीड़ आनंद से विभोर होकर
हर्षध्वनि कर उठती है। छोटे तालाब से ये पानी बड़े तालाब में गिरता रहता है। दर्शनार्थी छोटे तालाब में 3 बार डुबकी लगाकर अपने को कृतार्थ करते हैं। स्नान करने के बाद वे फिर छोटे तालाब में जाते हैं और उसका थोड़ा सा पानी लेकर अपने ऊपर छिड़कते हैं। विश्वास किया जाता है कि ऐसा करने पर उसमें डुबकी लगाने का ही फल मिलता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से उतरकर कावेरी जब मैदान में आती है तो कन्नीके और सुज्योति नाम की 2 छोटी नदियां उससे आ मिलती हैं। इन 3 नदियों के संगम पर भागमंडला नामक नगर है। दक्षिण में ये नगर उतना ही प्रसिद्ध है जितना उत्तर में प्रयाग। नदी के इस तट पर लोग स्नान करके श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि एक बार कुर्ग पर आक्रमण करके टीपू सुल्तान वापस लौट रहा था। विश्राम करने के लिए वो जिस चट्टान पर रुका वहां से ब्रह्मगिरी की चोटी साफ नजर आती थी। टीपू सुल्तान ने उस पर्वत की शोभा देखी। चोटी से फूट कर निकलते झरने के दृश्य को देखकर वो इतना मुग्ध हो गया कि उसने वहीं पर सर झुकाकर कावेरी नदी के जन्म स्थान की वंदना की। तभी से इस चट्टान का नाम वंदना शिला पड़ गया। कावेरी नाम है जल के उस प्रवाह का जो निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। भागमंडला से आगे बढ़ने पर हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ नाम की 2 नदियां कावेरी में मिल जाती हैं। इसी स्थान पर कन्नमबाड़ी बांध है जो कावेरी नदी पर पत्थर और मिट्टी से बना भारत का पहला बांध है। इसी बांध के पास कृष्णराज सागर जलाशय है जहां कावेरी के तीव्र प्रवाह का लाभ उठाकर बिजली पैदा की जाती है। कावेरी नदी के बीच 3 प्रसिद्ध द्वीप यानी टापू भी बने हुए हैं। इन 3 द्वीपों को भगवान श्रीरंग का ही स्थान माना जाता है। ये हैं श्रीरंगपट्टणा आदिरंगा, शिव समुद्रा मध्यरंगा और तीसरा श्रीरंगम तमिलनाडु में है। श्रीरंगपट्टणा कावेरी नदी की 2 धाराओं के बीच स्थित एक सुंदर द्वीप है। शताब्दियों तक यह द्वीप मैसूर के राजाओं की राजधानी रहा। कावेरी ने यहीं पर मराठों और मुसलमानों के कई हमले देखे। श्रीरंगपट्टणा कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम राजाओं की राजधानी रहा। यही कारण है कि श्रीरंगपट्टणा में आज भी एक ओर 500 वर्ष पुराना रंगनाथ मंदिर मौजूद है तो दूसरी ओर सदियों पुरानी आलीशान मस्जिदें भी खड़ी हैं। श्रीरंगपट्टणा द्वीप को पीछे छोड़कर कावेरी जब आगे बढ़ती है तो कई और छोटी छोटी नदियां कावेरी में आ मिलती हैं। और इसे अधिक चौड़ी तथा शक्तिशाली बना देती हैं। इस जगह पर कावेरी 2 भागों में बंटकर दूसरा द्वीप बनाती है, शिव समुद्र। ये क्षेत्र जंगलों से घिरा है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य तो बस देखते ही बनते हैं। शिव समुद्र में कावेरी का जल नीचे झील में लगभग 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और कावेरी पिघली हुई चांदी की तरह
चमकती नजर आती है। इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो चारों ओर इंद्रधनुष बन जाते हैं। जलप्रपात को घंटों देखते रहिए, फिर भी मन नहीं भरता। इतना मनोरम, इतना मोहक दृश्य है। शिव समुद्रा ही भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। कावेरी नदी पर तीसरा द्वीप बनता है तमिलनाडु में। इसी द्वीप पर श्रीरंगम नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। कावेरी नदी के तट पर मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी बसेरा है। कर्नाटक के महत्वपूर्ण अभयारण्यों में एक है रंगनथिट्टू। ये एक पक्षी विहार है जो बंगलौर मैसूर सड़क से कुछ दूर श्रीरंगपटना के पास कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर शिकार करने की मनाही है। महाद्वीप और सागरों के पास से आने वाले यायावर पक्षी, जिनमें कई किस्म के सारस भी होते हैं, कुछ समय इसी विहार में आनंद से किल्लोल करते हैं और दर्शकों का मन मोह लेते हैं। मैसूर का वृंदावन गार्डन देश का एकमात्र उद्यान है जो परीलोक जैसा लगता है। कृष्णराज सागर जलाशय का निर्माण होने के तुरंत बाद इसके पास वृंदावन गार्डन बना। इसकी सीढ़ी नुमा क्यारियों में रंग बिरंगे फूल, रंगीन जलप्रपात और थिरकते फव्वारे देखते ही बनते हैं। पत्थर की सीढ़ियों पर से उतरता लहराता कावेरी का जल और सैकड़ों बिजली की बत्तियां संध्या के समय दशकों पुराने वृंदावन गार्डन को आज भी परीलोक बना देती हैं। अखंड और विशाल कावेरी ने कर्नाटक के देहातों का कायाकल्प कर दिया है। यहाँ पर कावेरी नदी मीलों तक हरे भरे खेतों, मैदानों, केलों के कुंजों, गन्ने के खेतों और ऊंचे भव्य पेड़ों की कतारों के बीच बहती है। अपनी घुमावदार और लंबी यात्रा के बाद कावेरी समुद्र में विलीन हो जाने के लिए बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। इस प्रकार नदी के रूप में निरंतर बहता कावेरी का जल हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा और साहस प्रदान करता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कावेरी। आलेख भगवान दास वधवा, वाचन स्वर अर्चना प्रभाकर, ध्वनियांकन दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, विषय संयोजन और प्रस्तुति स्वर्णा गुप्ता तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।